हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक पेड़ के बारे में। ये देखिए, जड़ी बूटी है ये। तो आप किस नाम से जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ये देखिए, ये पुट्टूस का पौधा है। इसका नाम है पुट्टूस। इनके बहुत सारे फायदे हैं गाइस, और बहुत ये बीमारियों में काम आती है गाइस। ये देखिए, इस तरह से ये पुट्टूस का फूल है। आप इसको देख सकते हो कि ये किस तरह से घुचे घुचे फूल आए हैं। इसमें कुछ येलो है, पिंक है, रेड है, सब कलर का मिला हुआ फूल है गाइस, देखिए। और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ किसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये किस बीमारियों में यूज करना चाहिए गाइस। तो मैंने आपको देखिए, ये पुट्टूस का एक टहनी मैंने तोड़कर लाई है, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ही दर्द है। तो मैंने इसका भी इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, देखिए ये पौधे आपको बहुत ही आसान तरीके से हर जगह पर मिल जाएगी, क्योंकि ये पौधे नदी नाले और बाहर रोड के किनारे भी आपको बहुत सारे ये गाछ छोटे छोटे पौधे आपको मिल जाएगी। ये देखिए, इसके फूल बहुत ही खूबसूरत और छोटे छोटे लगे हैं, और ये बहुत ही बीमारियों में उपचार आते हैं। तो आपको मैं दिखाने, इसके जो पत्ती होते हैं वो तुलसी के पत्ती के समान होते हैं, ये सारे पत्ते हैं। तो इस सुगंध आती है इनके पत्ते से। देखिए, इसमें कांटे भी होते हैं, बहुत सुंदर है। और ये पौधे को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे, ये पौधे तो बहुत ही मैंने पुट्टूस के नाम से जानती हैं, लेकिन बहुत लोग इसे घनेरी के नाम से भी जानते हैं। और चलिए, हम आपको आगे बढ़ते हैं कि इस औषधि के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि आपको तो ये आपको मसूड़ों में दर्द होती है, और आपको दांतों में भी दर्द होती है, सूजन होती है, और दर्द नामक सूजन भी बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है गाय। पुट्टूस तो ये पेड़ के पौधे से पुट्टूस के पौधे का कांटे अलग कर दे, और इस पौधे को गर्म पानी में सुसुम गर्म करके और इसको कुल्ली करने से आपका मस्कूरा को भी ठीक करने में मदद करेगी। और ये देखिए, 15 से 20 पुट्टूस का पत्ते लीजिए, और दो तीन इमली का बीज लीजिए, इसको पीस लीजिए, और पीस कर आप पैरों में सूजन जहाँ आ रही है वहाँ भी आप इसको लगा सकते हैं, और जहाँ दर्द है वहाँ भी आप लगा सकते हैं। और ये सफ़ेद दाग में भी काम आएगी गाइस। देखिए, ये इस तरह से सफ़ेद बाल को भी ये तो गाइस देखिए, ये इस तरह से आप पत्ते को पीस लीजिए, इमली का 2-3-4 बीज पीस कर मिला लीजिए, और इसका लेप लगाएं तो आपको बालों में रुसी आना बंद हो जाएगी, और जहाँ दर्द है वहाँ उस स्थान पर भी आप यूज कर सकते हो गाइस। तो देखिए, ये मैं आपको, गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी, ये देखिए बरसात के मौसम है, बरसात के मौसम में भी नदी नाला बहुत ही भर आती है, और आपके आसपास में गड्ढा में भी पानी भर आती है, उसमें कीड़ा पनपने लगती है, मच्छर पनपने लगती है। तो गाइस, उसको आपको किस तरह से भगाना है तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये पुट्टूस के पत्ते हैं, देखिए इस तरह से छोटे छोटे, बहुत ही सुंदर आकार में और बहुत ही सेंटेड है। तो इस पत्ते को आपको क्या करना है, ये आप थोड़ा अधिक मात्रा में ले आए तोड़कर, और इनको धूप में सुखा लीजिए। अभी गर्मी का मौसम है, धूप में सुखा लीजिए गाइस अच्छी तरह से, और उनका चूर्ण बना लीजिए। और चूर्ण बनाकर आप जहाँ जहाँ गड्ढे में आपका ये पानी जमा है उसमें आप छिड़काव कर दीजिए उस पाउडर से, तो आपका कीड़ा और मच्छर पनपना बंद हो जाएगी, तो आप इस बीमारी से भी बच सकते हो गाइस। ये बहुत ही आसान, तो आप पुट्टूस का सहारा ले सकते हो आप। और यदि आपके रूम में भी मच्छर अगर घुस गए हैं तो इसका धुआं आप ले सकते हैं, और ये
पत्ते को जलाने से मच्छर भाग जाएगी और आपका रूम का सुगंध अलग हो जाएगी और आपको एक भी मच्छर नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये पुटुस का फूल और पौधे से बहुत सारे आप फायदे पा सकते हैं गाइस। बाय बाय।